हेलो सारे व्यूअर्स, सास बहू और बेटियाँ के, मैं हूँ अनिरुद्ध दवे और ये हैं शशांक व्यास। और आज हम मिले हैं बहुत दिनों बाद। क्योंकि मैं हूँ सास, ये है बेटी और बहू कौन है? बहू कौन है? आप बहू हैं। मुझे तो बोलेगा बहू की तलाश है। बहू की तो तलाश है। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, दो जनों के लिए बहू की तलाश जो है वो बहुत जोरों शोरों से है। पहले तो है भाई सलमान भाई और दूसरे हैं शशांक भाई। उनके लिए भी लोग पूछते हैं, उनसे सभी लोग यही सवाल पूछते हैं, और आपके लिए भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप ब्याह कब कर रहे हो? नहीं तो ये सवाल तो काफ़ी बैचलर्स जो हैं उन सबसे पूछा जाता होगा, तो मैं ही खास क्यों आपकी नज़रों में? नहीं, इसलिए क्योंकि आप हमारे दिल के करीब हैं। सलमान भाई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के दिल के इतने करीब हैं, तो जिन लोगों से आपको बहुत प्यार होती है, बहुत आत्मीयता होती है, आप उनके लिए सोचते हैं कि यार इनकी तो जब बारात निकलेगी ना, घर में ही नाग बन के नाचूंगा मैं। बट तुम्हारी शादी में तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। आपकी सोच ये तो नहीं कि जो हाल मेरा हुआ उसका भी होना चाहिए? नहीं, हम तो मैं अकेला क्यों भुगतू? हम बहुत खुश हैं। जब तुम्हारी आगे आगे घोड़ी चलेगी, ऐसे तुम्हारी पूरी सवारी जाएगी ना, तो उसके अंदर नाग बन के हम नाचेंगे, क्योंकि नाग वालों की बहुत डिमांड है हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री में। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो तो है। ये बात तो आपने बिल्कुल टीआरपी वाली बोली है। हाँ तो आप क्या कर रहे हैं आजकल पटियाला वेब्स के बाद? क्या है जीवन में, क्या चल रहा है? जीवन में बस अभी पटियाला वेब्स के बाद थोड़ा सा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कश्मीर की वादियों में थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा कुछ लिखेंगे, थोड़ा सा रिक्रिएट करेंगे अपने आप को, फिर वापस काम। अच्छा, तो किस तरह का काम आप अभी करेंगे या क्या कुछ सोचा है? मतलब आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं आप? मैं काम करना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे चीज़ें मुश्किल लगें। लाइकवाइज नो, आई एम नॉट डूइंग नागिन एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम। हाँ, लेकिन कुछ अलग ही सोच है अभी लाइफ में कुछ करने की, और संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है और होना भी चाहिए। देखिए, संघर्ष तो जिस दिन से हम लोगों ने सोचा था कि हम मुंबई शहर में आएंगे, कलाकार बनेंगे, उस दिन से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और वो चाहे हम न्यू कमर्स हों जो अभी हाल ही में आए हैं, या फिर हमारे जैसे लोग हों जिनको 8-10 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, या फिर बिल्कुल वेटरन एक्ट्रेस हों, संघर्ष तो सबका है और वो लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल, वो हिस्सा है। और ये बहुत दिनों बाद ऐसी विद द हेल्प ऑफ आज तक कि अनिरुद्ध और मैं साथ मिले, बैठे, चाय पर चर्चा हुई। बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात सभी से कहना चाहूँगा, हालांकि काफ़ी लोगों को पता ही है आपके फैंस को, मेरे फैंस को, लेकिन मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑन टेलीविजन राइट नाउ। और ये मैं अपना सेंटेंस चेंज करना चाहूँगा, आई वॉन्ट हिम टू बी द फाइनेस्ट एक्टर ऑन इंडियन सिनेमा ऑन 70 mm, और ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। और ये डिजर्व करते हैं, सबसे बड़ी बात ये सर, ये आपकी नज़र है, आपका प्यार है, ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। और बहुत इनिशियल डेज से जब मैंने शशांक को संघर्ष करते हुए देखा, जब ये बालिका वधु भी नहीं कर रहे थे और मेरा फुलवा उस दौरान चल रहा था, लगभग 2009-10 की बात है, आराम से है ना, तो तब से मैं इनसे मुखातिब हूँ और बहुत ही कमाल। और जिस तरीके से एज एन एक्टर आप अपने आप को ब्रश करते हैं, आज भी ब्रश करते हैं, अपनी स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, दांत तो आप और हम सब लोग रोज़ ही करते हैं, ये स्किल्स हर रोज़ ब्रश करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो हर वक्त अपने काम, अपने क्राफ्ट और अपने अभिनय के बारे में बातचीत करते हैं, अच्छे सिनेमा की बातचीत करते हैं। इनफैक्ट जब जब हम दोनों मिलते हैं तो अभी हम यही बातें करते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो। ये उनमें से एक बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो इनका बड़प्पन है, प्यार है, और बहुत अच्छा लगा कि आज मुलाकात हुई हम दोनों की। देखिए, नहीं, मैं कहना चाहूँगा जिस चीज़ के लिए हम दोनों ही मानते हैं, हमारी फील्ड में ना लुक बदलने से कुछ नहीं होता, और लक आप बदल नहीं सकते। क्या बात है। तो जो नसीब में है वो होगा, क्योंकि अभी जब इनको कहा जाएगा कि शशांक आपको और 5 साल यंग देखना है, शशांक तुरंत थोड़े से और छोटे बाल कराएंगे, क्लीन शेव होते ही ये 22-24 साल के लड़के लगेंगे। तो ये एक USP है जो एक कलाकार में होनी चाहिए। और जिस तरीके के रोल्स इन्होंने किए, चाहे वो जग्या जब थे तो उसमें भी एक अलग अलग कई शेड्स थे, अलग रोल था, एक वो सीधा सुधरा डॉक्टर भी था, और एक हमने शराब बार के अंदर बैठा वाला भी जग्या देखा। तो इन शेड्स से खेलने वाली जो बात है वो इनकी USP है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कलाकारों के लिए बहुत अच्छे और आगे चांसेस हैं लाइफ में। क्या करना है आगे, क्योंकि टीवी में तो हम लोग आपको देख ही रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वेब, क्योंकि आजकल
इट्स मोर ऑफ अ वेब 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 एंड बहुत सारी चीजें वेब पर आ रही हैं, तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं टेलीविजन और वेब सीरीज? इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ इस सेंटेंस के बाद कि मुझे अच्छे लोग, अच्छे काम, अच्छी लिखावट की तलाश है, अच्छे मीडियम की तलाश नहीं है। मीडियम वो कुछ भी हो, बात एक कलाकार के लिए होती है उसके उसका मन लगने की, जहाँ पर वो अपना 200% दे सके और अच्छा काम लोगों तक पहुँचा सके। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कितना डिफरेंस है, क्या है, टीवी पे आप अपना कैरेक्टर स्केच नहीं कर सकते, क्योंकि हर शुक्रवार एक टीआरपी आती है और उस पर आपके कैरेक्टर्स में बदलाव आते हैं। तो ये वो ट्रेन है जिस जो कहाँ पहुँचेगी आपको पता नहीं होता है। और वेब सीरीज़ में आपको एक बाउंड स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको पता है कि आपका कैरेक्टर यहाँ चलेगा, यहाँ ऐसे इसमें बदलाव आएगा और यहाँ पर ये उसका एट दी एंड होगा, तो आप अपना कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं। अगेन फॉर टेलीविजन आई थिंक जो एक तलाश रहती है एक चाबी की, जिससे कि हाँ एक वो क्रिएटिविटी का ताला खुल सके, और तो मेरे ख्याल से वेब सीरीज़ में थोड़ा सा आजकल ज़्यादा संभावना उस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर जो एक शो की जब टीआरपी आती है तो उससे डिसाइड होता है कि आप बिल्कुल का कैलिबर क्या है। बिल्कुल कैलिबर क्या है, और ट्रैक्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आजकल किरदार नहीं प्लॉट्स पे काम होता है, तो जब वो प्लॉट जो है जब वो ही निर्धारित नहीं है तो किरदार कैसे निर्धारित रहेगा? ठीक है ना, प्लॉट में ये है कि ये दो दोस्त हैं, बचपन से साथ में थे और जब ये लोग मुंबई में आए तब इनमें डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि ये लोग एक ही फील्ड के लिए कुछ अपनी जद्दोजहद कर रहे थे, तो किरदार तो वहीं बदल गया क्योंकि कहानी बदल गई। तो ये टेलीविजन है, जबकि फिल्मों में या फिर वेब में होता है कि आप शुरू से लेकर एंड तक आपको मालूम है कि यहाँ से ये शुरू होगा और यहाँ ये ख़त्म होगा, क्योंकि एक वो फाइनाइट चीज़ है। टेलीविजन तो क्या है, आप कब तक एक चीज़ दिखाएंगे? आप में, हम में, इंसानों में, सब में जिस तरीके से चेंजेस बदलाव आते रहते हैं उसी तरीके से किरदार में भी बदलाव आते रहते हैं। तो ये तो वेब सीरीज और बड़ी फिल्मों की बात है, जिसमें हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो क्या आप लोगों को कोई रियलिटी शो ऑफर हो जैसे बिग बॉस तो करेंगे आप? नहीं देखिए, जब मैं उज्जैन से निकला था 2009 में आया मैं बम्बई, तो मुझे मेरा सपना याद है। क्या था? मेरा सपना क्या था? मेरा सपना ये नहीं था कि मुझे किसी एक कमरे में बंद रहना है और फिर मुझे उसके पैसे लेने हैं। मेरा सपना ये नहीं था कि मुझे यहाँ से वहाँ छलांग लगानी और फिर मुझे उस चीज़ के पैसे लेने। तो मेरा सपना यही था और मेरा सपना याद है कि मुझे अभिनय में कुछ नाम करना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है, और यही मेरा सपना है जिसमें मुझे काम करना है। तो हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैं जब सपना पूरा ही नहीं हुआ है, मैं अभिनय से बोर ही नहीं हुआ हूँ, तो मैं अपना रास्ता क्यों बदलूँगा? बहुत सही। अक्सर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है, ऐसे किरदार होते हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो बिग बॉस के घर में जाते हैं ये सोच के कि हमारा जो एक कैरेक्टर बन गया है, फॉर एग्जांपल हम अगर अक्षरा जो हमेशा से एक कैरेक्टर रहा है, या फिर गोपी बहू एक कैरेक्टर रहा है, या फिर कोमोली का एक कैरेक्टर रहा है, जो लोगों के दिल पे छाप छोड़ चुका है, वो चाहते हैं अपने कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये मीडियम बिग बॉस मीडियम सही है टू गो एंड चेंज मैं इसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए क्या है कि अगर आपको अपनी वो इमेज ब्रेक करनी है, जो जिस सो कॉल्ड आप एक इमेज की बात कर रहे हैं कि ये किरदार है, इसको लोगों ने इस रूप में देखा है, लेकिन भाई ये तो ऐसा है, आप उसको ताउम्र उसको उसी विजन के साथ ना देखें, तो फिर आप दूसरे अच्छे किरदार करें या दूसरा काम करें ना, जिससे आप अपनी इमेज ब्रेक कर सकते हैं। वाई बिग बॉस ओनली? और मुझे क्या बिग बॉस में जैसे आप खुद होते हैं कि आप वैसे ही दिखते हैं? बिकॉज मुझे नहीं मालूम है, मैं अनभिज्ञ हो सकता है, मैं गलत हूँ, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो जैसे आमतौर के जीवन में हैं, जैसे कि वो अपने घर पे रहते हैं, तो क्या बिग बॉस के घर में भी ऐसे ही रहते हैं या फिर वहाँ पे भी किरदार प्ले किया जाता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इट्स ये थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में तो नहीं आई, लेकिन करेक्ट पता है ना, आप एक ऑलरेडी किरदार हैं, करेक्ट, आप ऑलरेडी एक्टर हैं, और आपको पता है कि जब आप कैमरा के सामने जाते हैं तो आप थोड़े से कॉन्शियस हैं, आपकी एक्टिंग स्किल्स सामने आ जाती है, राइट। तो क्या आपको लगता है कि जो कहा जाता है इट्स रियल रियल रियल, इट इज रियल और इट इज अनप्रेडिक्टेबल? क्या आई हैव नो क्लू अबाउट इट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज मेरे पास इस बात का जवाब ही नहीं है। अब
नहीं, मैं भी इस चीज़ को इसलिए नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे कि अभी हम माहिरा की बात कर रहे थे या फिर रश्मि या फिर आरती है ना, इन लोगों को मैं पहले से जानता हूँ, मुलाकात उनसे हुई है, तो वो लोग मुझे लगता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेज या कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पर हो जाती होंगी जिस वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि किसी का भी टेम्परामेंट या फिर एक वो किरदार बदलने लगता है, तो शायद ऐसा होता होगा। और देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है, जब तक मैं आपको प्यार से बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, आप मुझे सम्मान देंगे, जहाँ पे अगर मैंने पीछे से कहा यार यार सामने तो बहुत अच्छा है, पीछे से ऐसा है, तो वहाँ पे वे चीज़ें आपकी हमारी बिगड़ने लगती हैं। और मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में शायद ये बहुत आम बात है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी इंडिविजुअल थिंग। मतलब हम अच्छे दोस्त बनने का एक ढोंग कर रहे हो लेकिन दोनों को पता ढोंग कर रहे हैं, तो फिर दोनों गलत कौन है इसमें? ये भी स्मार्ट है, अगर आपको अगर आपको समझ में ही नहीं आ रही कि कितना आप एक दूसरे के लिए दिल से हैं और आप भी वहम में हैं और हम भी वहम में हैं और इस ये जो पूरा भ्रम है ये हम पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं उनको, आप लोग को भ्रमित कर रहे हैं। तो हाँ, लेकिन वो तो अभी नहीं हो गया ना फिर भाई? हाँ, वो तो अभी नहीं हो गया। जब हम आपको भ्रमित करते हैं तो मेरा मानना ये है कि अभिनय की जो असली परिभाषा है वो ये है कि जब आप सामने वाले को ऑडियंस को वहम दे दें कि ये वो किरदार है तो आप वो एक्टिंग करते हैं, वो भ्रमित हो जाता है और वो अभिनय कहलाता है।